ओके आ गया सब। यस सर। सर फ्लाइट नंबर डाल दो। फ्लाइट हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। यस सर। सर, अभी हम करेंगे सर फ्लाइट नंबर नाउ। डाल। ओके, ओके हो गया शायद। ठीक है, सुनाओ। आई विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस थे जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने याद किए थे, वैसे यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ठीक है, जिनके मैग्नेटिक फील्ड हमें याद करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोसॉल्ट्स लॉ किसकी हेल्प से हम करेंगे पहले? तो देयर वर आल्सो टू मेथड, गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ। दो तरह के एप्लीकेशंस किए थे हमने यहाँ वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिमिलरली वी हैव हियर आल्सो, सम will be done through Biot-Savart's law and some would be done through Ampere's law. ठीक है, तो यह है तो applications of Biot-Savart's law। तो according to this law, if we have a current carrying element like this, we have a current carrying element, okay, so it is carrying some steady current I, okay, and we want to calculate it is carrying current I. We want to calculate its magnetic field at this point P. Okay. So this is basically element method. So we will take a small element, जैसे हम कूलम्स लॉ में करते थे, we take a small current element here. वहां पर हम चार्ज एलिमेंट लेते थे. Let's say it is DL. Okay. This is current element DL, and we want to calculate its magnetic field. We want to calculate its magnetic field at a distance r. Okay, at a distance r. This is vector r. Okay, so this is this. Okay, so magnetic field of a small current element would be this differential. It is differential because it is a small element,
is mu 0 over 4 pi would be a constant here. I dl cross r cap over r square. Okay. So, we are finding magnetic field of a small current element by using this formula. It's from Biot-Savart's law. Okay. This is Biot-Savart's law. If you want to calculate the total मैग्नेटिक फील्ड तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू इंटीग्रेट. टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है टोटल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इंटीग्रल ऑफ दिस, बट आपको इसको एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है, इंटीग्रल तो बाद की बात है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल कर लेंगे हम बाद में जो भी होता है. फिलहाल आपको इसके ऊपर फोकस करना है. इसमें क्या क्या है, I is the current flowing in the वायर, dl is the length element. ठीक है, dl is the length element and direction of dl किसके साथ मैच करेगी, direction of dl is same as डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब जिस डायरेक्शन में भी करंट का एरो लगा हुआ है उस डायरेक्शन में ही आपको डीएल का डायरेक्शन देना है. ओके ओके. एंड देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट विद आर कैप. आर कैप मतलब क्या है, ठीक है, आर कैप इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच इज कनेक्टिंग द सोर्स. ये कौन सा पॉइंट है, करंट इज द सोर्स, इट इज द सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट. ओके, सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट वेक्टर आर होगा. वेक्टर आर कहां से कहां तक होगा, करंट एलिमेंट से लेकर जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक का वेक्टर. ओके ओके, तो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है. मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू वेयर वेक्टर क्वांटिटी. ओके ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डीएल क्रॉस आर कैप. ओके, dl क्रॉस r कैप. तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, टू कैलकुलेट डायरेक्शन यू नीड टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो क्रॉस प्रोडक्ट किन किन वेक्टर्स का, पहला जो वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में है, पहला जो वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, पहला वेक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट है. दूसरा वेक्टर एक पोजिशन वेक्टर है जो कहां से कहां तक जाता है, पोजिशन वेक्टर विच इज गोइंग फ्रॉम करंट टू द फील्ड पॉइंट, मतलब सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट तक जो वेक्टर है वो हमारा आर कैप वेक्टर है. ओके, तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे, वी विल ऑलवेज अप्लाई राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, फिलहाल के लिए आपका जो कैलकुलेशन है मैं यहां से आपको समझाता हूं. सपोज दिस इज अ स्ट्रेट वायर, this is a straight wire which is carrying a steady current I. okay, aur aapka jo point of calculation hai wo yahan hai p1 aur ek point of calculation yahan hai p2. ek p1 point hai, ek p2 point hai. theek hai, ye distance kya hai, r1 hai. ये डिस्टेंस क्या है, मान लिया R2 या RR भी ले सकते हैं, डिस्टेंस से कोई खास फर्क नहीं. आपको हमें फोकस किसके ऊपर करना है, वी नीड टू फोकस ऑन दिस डायरेक्शन. ओके, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप Biot-Savart's law का यूज करके करंट क्रॉस R कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, राइट हैंड ग्रिप रूल को कैसे लगाएंगे, तो आप ये करेंगे, मैं एक डायग्राम ले लेता हूं, इट वुड बी बेटर टू शो यू राइट हैंड ग्रिप रूल.
अगले पेज पर ले जाना है। ये मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर वायर है, ये आपका कोई पॉइंट P1 है जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैं डायरेक्शन के बारे में पहले बात कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन निकालना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो ये है, ये देखिए, ये आपका राइट हैंड है, ओके। राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे लगाते हैं, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये थंब है आपका, राइट हैंड है ये, इट इज राइट हैंड, दिस इज योर थंब, ओके। तो आप वायर को ना ऐसे पकड़ेंगे, मतलब वायर आपके हाथ में ऐसे है, आपने वायर को यूं पकड़ लिया, ओके, ठीक है। तो जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब। और जो आपकी राइट हैंड की फिंगर है, ठीक है, वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। तो फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, देखो देखो, ये आपकी फिंगर यूं जा रही है, यूं यूं, यानी कि फील कैसे आ रहा है, ऐसे, ओके। तो फील इसके अराउंड क्या करेगा, देखो ऐसे कर्ल करेगा, ओके। तो कर्लिंग का डायरेक्शन क्या होगा, वो पीछे है लाइन, ओके, और ये सामने है लाइन। तो सामने की तरफ, सामने की तरफ कैसे आएंगे फील की डायरेक्शन, सामने की तरफ फील लाइन यूं आएंगे, सामने की तरफ नीचे और पीछे से ऊपर, सामने की तरफ से नीचे जाएंगी और पीछे से ऊपर, यूं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड है, ओके, वो यहां वाले जोन में कैसे होगा और यहां वाले जोन में कैसे होगा, ठीक है। तो यहां से यहां ये वाला पॉइंट P1 जो है, ये वाला पॉइंट P1 जो है वो यहां आ जाएगा और ये वाला पॉइंट P2 यहां आ जाएगा, ओके। तो पॉइंट P1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा या इन टू द पेज, आउट ऑफ द पेज होने का मतलब होता है हम उसको ऐसे दिखाते हैं, डॉट B1 आउट ऑफ द पेज, ये किसका सिंबल है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, ओके। एंड ये जो है ये P2 वहां पर क्रॉस रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये वाला किसका सिंबल है, ये क्रॉस सिंबल, इनटू द पेज, इट इज इनटू द पेज, इनटू द पेज, ओके। तो व्हेन एवर ये आप अप्लाई करेंगे, ओके, दिस मेथड वुड बी अप्लाइड व्हेन यू आर फाइंडिंग, ठीक है, दिस मेथड शुड बी अप्लाइड, शुड बी अप्लाइड, अप्लाइड व्हेन, व्हेन, ठीक है, यू आर फाइंडिंग, फाइंडिंग, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ, direction of magnetic field, direction of B in straight wires, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, straight wire में magnetic field find out कर रहे हैं, तो आप ये तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे, simple है, you need to grab this wire, okay, या you need to grip this wire with your right hand, okay। तो जो आपका थंब है इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वायर को, ठीक है, इस वायर को ऐसा ले लूं कि करंट आउट ऑफ द पेज है, करंट आउट ऑफ द पेज है, करंट आउट ऑफ द पेज है,
तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मतलब आपको इसको अपने हैंड को, ये वाला हैंड जो है ठीक है, उसको इस तरह पुट करना है कि आपका थंब जो है ना वो इस स्क्रीन से बाहर आए, थंब शुड बी आउट ऑफ द स्क्रीन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हुई दिखाई देंगी आपको, ऐसे कर्ल होती हुई। ओके, तो आपकी जो जो ये होगा, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन इस तरह है और ये करंट मैंने आउट ऑफ द पेज लिया है, तो आप देखेंगे कि ये जो एरो मैंने लगाए हैं ये किसको शो करेंगे, दीज एरोज वुड बी रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब, इफ इफ आई इज आउट ऑफ पेज, इफ आई इज आउट ऑफ पेज, तो आप देख सकते हैं ये करंट है, ये करंट है आई आउट ऑफ द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज कर्लिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो वेक्टर है, जो बी वेक्टर है आप देख सकते हैं, ओके, सो इसका डायवर्जेंस कितना होगा इस बी वेक्टर का, व्हाट इज द डायवर्जेंस ऑफ दिस बी वेक्टर, जीरो और नॉन जीरो, जीरो डायवर्जेंस लेस वेक्टर है ना ये, और इसका कर्ल कितना होगा इस वेक्टर का, मैग्नेटिक कर्ल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ल, कर्ल कर्ल मीनिंग क्या है, कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल मीन्स रोटेशन, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रोटेटिंग और डाइवर्जिंग, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रोटेटिंग ठीक है, नॉट डाइवर्जिंग। ओके, डाइवर्जिंग कैसे होता है, यू नो व्हाट इज द डाइवर्जिंग फील्ड, जैसे कोई सोर्स है क्यू, तो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, डाइवर्जिंग It is divergence. ये क्या है, ये electric field. तो इस field में क्या हो रहा है, इस field में divergence non zero है और curl क्या है, zero है. Okay? I hope you understand the concept of divergence and curl in case of electrostatic field and in case of magnetic field. In case of electric field, electrostatic field, and in case of magnetic field. Okay, and as well as this. ये भी आप समझ गए होंगे. Okay, कि जो magnetic field है वो कैसे निकलेगा in case of straight wire. Okay. Thumb direction of current, finger direction of magnetic field. Clear? ये है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग बताया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर नंबर वन कौन है, ठीक है, वेक्टर नंबर वन ये डीएल हो गया, वेक्टर नंबर टू कौन हो गया, डीआर हो गया, ठीक है, तो यहां पर आप कैसे अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर को किस डायरेक्शन में लेंगे, ये जो फिंगर है आपकी राइट हैंड की, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर किस डायरेक्शन में लेंगे, मतलब मेरा कहना ये है कि आप इस ये तो याद रखें ही रखें, साथ में आप ये भी याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैथमेटिकली कभी निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू होता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस क्या, पोजिशन वेक्टर, कौन सा पोजिशन वेक्टर, विच पोजिशन वेक्टर कनेक्टिंग व्हाट, connecting source point to field point. Okay? ये mathematically आपको help करेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे, जैसे try to understand. अब मैं mathematically direction में आता हूं, ये तो आपने बता दिया, ये तो हमने देख लिया, आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज, कर्लिंग है, अब रियल मैथमेटिक्स पर आते हैं, तो क्या होगा,
सीधो से यहाँ से ऐसे शुक्र है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है स्ट्रेट वायर है डायरेक्शन ऑफ करंट ये है ओके कौन सा सिस्टम डील करेंगे कौन सा सिस्टम से डील करेंगे इसको वील डील इट विद सिलिंड्रिकल सिस्टम ओके तो करंट स्ट्रेट वायर है करंट किस डायरेक्शन में जाएगी बाय डिफॉल्ट जेड कैप डायरेक्शन में जाएगी ओके तो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया आपने ओके राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया तो क्या होगा ऐसे ऐसे आ रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों आपको सामने से दिखाई देगा ऐसे होता होगा ओके सो ठीक है ना तो ये कौन सी डायरेक्शन है बी किस डायरेक्शन में होगा आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर बी एंड आई आर ऑलवेज परपेंडिकुलर और पैरेलल बी एंड आई आर Perpendicular. तो B किस डायरेक्शन में होगा कौन कौन बचता है आपके पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में तीन होते हैं ना S एंड phi. S एंड phi. तो ये कौन है बताइए मैग्नेटिक फील्ड वुड बी अलोन phi और S? Phi. Phi. Okay. तो if current is along Z, मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट अलोंग पाई कैप क्लियर है ये तो हुआ राइट हैंड ग्रिप रूल अब अगर आप वेक्टर मेथड से कर रहे होते जो मैंने मैथमेटिकली अभी बताया ये वाला मेथड ये कैसे बताएगा देखो ये बताएगा ये भी आसानी से सेम चीज बताएगा ओके आप निकालना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओके या बी कैप कर दो इसको ओके तो बी कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है जेड कैप डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया जेड कैप पोजीशन वेक्टर कनेक्टिंग द मान लिया आप कहां निकालना चाहते हैं यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ही है ओके इस पॉइंट पर आप करना चाहते हैं तो ये जो वेक्टर होगा जो ये सोर्स पॉइंट से इसको कनेक्ट करेगा यहां से ये हो गया है ना डीएल से इसको कनेक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बोलिए एक्स कैप में करेगा या नहीं हाँ सर चारों तरफ कुछ भी घुमा लो आप इसके चारों तरफ ना मतलब चाहे नीचे निकालो या ऊपर ठीक है वो एक्स कैप ही होगा या नहीं क्या होगा एक्स कैप जेड क्रॉस एस बोलिए क्या होगा जेड क्रॉस एस फाई होगा या नहीं हाँ सर ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके तो इसको कैसे करते हैं आप पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर कैसे करते हैं इस वाले को पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर तो क्या करते हैं हम इस केस में पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर लेते हैं ये आपके पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी फिंगर हुई राइट हैंड की फिर उनको किधर घुमाना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ओके यहां के लिए तो आपका थंब किधर जाएगा अगर आपने क्या किया आपने राइट हैंड को ऐसे लिया फिर उनको ऐसे घुमाया क्यों घुमाया ऐसे क्योंकि ये एस कैप में घुमाना है उसको तो आपका थंब किधर आएगा ऐसा करने पर आउट ऑफ द पेज आएगा सर आउट ऑफ द पेज इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आउट ऑफ द पेज ओके समझ रहे हैं नहीं हाउएवर अगर करंट ऐसे है और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन यहाँ है ओके ये भी एस कैप है नीचे है बस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन तो इसमें कैसे घुमाओगे अपने राइट हैंड की फिंगर को ऐसे फिर ऐसे गलत है सही है गलत है ऐसे करना पड़ेगा ये सही है ठीक है पहले अपनी फिंगर इधर ली फिर इधर घुमाई ठीक है तो थंब किधर आएगा इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज सर इनटू द पेज तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के आप ये मेथड भी चूज कर सकते हैं ये वाला भी इसमें क्या करना होता है राइट हैंड से ही होता है अगर आप फिजिकली कर रहे हैं तो राइट हैंड से ही होगा
ओके बट होगा पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, ओके बट ये वाले में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसमें पहला क्रॉस दूसरा वेक्टर नहीं होगा, इसके इसमें क्या होगा, हम करंट के डायरेक्शन में तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, जो भी आपको सही लगता हो, जो भी जिससे आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो, ओके ये ठीक है ये। तो ये तो मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया आपको, ओके फार्मूला क्या यूज होगा मैथमेटिकली, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए ये तरीका यूज होगा, ओके अब हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बिहाफ पर जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन से मैग्नेटिक फील्ड मैं फाइंड आउट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर ऑफ एनी गिवन लेंथ, ऑफ एनी गिवन लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर ऑफ एनी गिवन, ओके तो उसको कैसे करते हैं देखो। तो सपोज हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इट इज कैरिंग अ करंट I जो कि स्टेडी करंट है, ओके और इस वायर से d डिस्टेंस दूर हमें क्या करना है, ये मिड पॉइंट से है इसके, ओके d डिस्टेंस दूर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट ओके ये है ठीक है। तो क्या करेंगे इस केस में, वेन एवर यू हैव अ स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो हम क्या करते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ कब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक वायर इनफाइनाइट नहीं होगा आप एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते, या वायर लॉन्ग नहीं होगा तो आप एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते। जैसे गो बैक एंड सी, गॉस लॉ आप कब तक नहीं लगा सकते एक चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जब तक वायर इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते, वैसे ही क्या है आप एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते जब तक वायर इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर हम कूलम्स लॉ लगाते थे फाइनाइट वायर के केस में, और यहां हम क्या लगाएंगे, बायो सेवर्ट्स लॉ। तो एक डी एल लेंथ का हम क्या कर लेते हैं, इसको ना कैपिटल बना लो, लेंथ को कैपिटल ले लो आप, ठीक डी एल स्मॉल डी एल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू हियर, गो बैक एंड सी, हम क्या करते हैं, हम इस DL से सोर्स से फील्ड पॉइंट तक जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। आई एम ड्रॉइंग अ वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर, ये वेक्टर ड्रॉ करना है, ओके ठीक है। अब जब वेक्टर ड्रॉ किया है तो मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है अल्फा, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, ओके एंड जो ये वाला एंगल है कौन सा वाला, ये वाला, इसमें वो एंगल कितना है थीटा। तो दो एंगल अलग अलग मैंने डिफाइन किए, ओके क्या क्या, अल्फा एंड थीटा। तो ये देखिए जरा मैं लिख रहा हूं, According to Biot-Savart's law, बताइए
what is dB? What is dB? dB is mu zero I over 4 pi, okay, dl cross r cap over r square. Okay, what is dl cross r cap? dl cross r cap is dl. अब चूंकि इनके बीच का एंगल कितना है, ऐसे है ना दो वेक्टर, तो ये आपका dl वेक्टर है एंड ये क्या है, ये आपका r वेक्टर है. इनके बीच का एंगल मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, अल्फा. ओके, तो dl क्रॉस r कैप कितना होगा बोलो? dlr sin अल्फा. dlr sin अल्फा r नहीं होगा, ये r कैप है, यूनिट वेक्टर है ना ओनली, तो dl sin अल्फा होगा. ओके, आप बताइए डायरेक्शन क्या होगा dl क्रॉस r कैप, क्योंकि एक वेक्टर बनेगा ना इनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर. कितना होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, क्रॉस या डॉट? आउट ऑफ द पेज. आउट ऑफ द पेज. आउट ऑफ द पेज. आउट ऑफ द पेज. तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड हो गया पहले ही. क्या डिसाइड हो गया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डिसाइड हो गया, आउट ऑफ द पेज आएगा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आएगा यहाँ पर. ओके, चाहे तो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड ग्रिप रूल से लाओ या वेक्टर से लाओ, आपकी मर्जी है, सही आना चाहिए बस. ओके, तो डीएल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज आ गया, ये मैंने कर लिया. ओके, नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई आंसर इन टर्म्स ऑफ एल्फा. ओके, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू थीटा. मैं इसको थीटा में बदलना चाहता हूँ. ठीक है, तो बता सकते हैं कि कितना होगा ये थीटा अगर मैं ट्राइंगल बना लू यहाँ पर ऐसे? इफ आई मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, तो ये वाला एंगल हम थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल वुड बी दिस एंगल. ये कितना बचेगा? ये भाई अल्फा वहां तक हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा? दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा. 180 माइनस अल्फा. ओके, तो इक्वेशन क्या बन रही है इनके बीच की हमारी? इक्वेशन बिटवीन दीज टू विल बिकम व्हाट? ये बनेगी इक्वेशन हमारी 180 माइनस अल्फा प्लस 90, एक एंगल 90 है इसका, प्लस थीटा, टोटल मिलाकर कितना है 180. तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? 90 प्लस थीटा. थीटा 90 प्लस थीटा इज दिस. ओके, तो मैं इस dl क्रॉस r कैप को ये भी लिख सकता हूं, dl क्रॉस r कैप कुड आल्सो बी रिटन एज dl sin अल्फा आउट ऑफ द पेज, या क्या लिख सकते हैं dl sin 90 प्लस थीटा आउट ऑफ द पेज. 90 प्लस थीटा का मतलब कितना हुआ? sin 90 प्लस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या? साइन वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट साइन वुड बी पॉजिटिव. इक्वेशन बता जाएगा dl cos थीटा आउट ऑफ द पेज. तो ये तो मैंने निकाल लिया क्या इसका dl क्रॉस r कैप. ठीक है, तो हमारा आधा काम हो गया. ठीक है, ठीक है, और ये r कितना होगा ये हम जानते हैं कितना है. इट इज d, और इसको मान रहा है मैं l, स्मॉल l, मतलब यहां से o से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस कितना है l, तो ये हमारा r कितना हो गया, ये वाला root d square plus l square plus k plus d square. ठीक है, also r का वैल्यू हो गया अंडर रूट l square plus d square. ये कर लिया, ठीक, हमारा हो गया. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा बदल रहा हूं. ओके, उस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं. ध्यान दीजिए, ये वेयर इज ओ,
O is the midpoint. O is the midpoint. O point. P point. Okay. हमारा जो लेंथ एलिमेंट है वो ये है रेड कलर. ओके, अब हम क्या करेंगे पूरी लेंथ को काउंट करने के लिए. व्हाट वी विल डू इज वी विल कनेक्ट दिस. एक मैं टेल से लगा दूंगा यहां से और एक मैं हेड से लगा रहे. ठीक है, अब जो टेल से जो बनने वाला एंगल है दैट आई वुड कंसीडर एज थीटा वन और जो हेड से बनने वाला एंगल है दैट आई वुड कंसीडर थीटा टू. बात समझे नहीं समझे? मतलब जब आप लेंथ एलिमेंट को बड़ा करेंगे, ठीक है, तो अभी तो मैंने एक ही एंगल दिखाया है. ओके, बाद में क्या होगा जब आप पूरा पूरा जो ये होगा एलिमेंट वो कैसे कवर कर सकता है यहां से लेकर यहां तक, समझ रहे नहीं? तो हमारी जो थीटा की लिमिट होगी वो क्या होगी, मतलब जब पूरा इंटीग्रल होगा तो कहां से कहां तक होगा. थीटा वन तो उठकर यहां आ जाएगा, मतलब पूरा वायर कवर होगा तो कैसे होगा. पूरा वायर जब कवर होगा तो ऐसे होगा, ये ओ पॉइंट पूरा वायर कवर होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा. इट विल बिकम लाइक दिस. एक तो एंगल यहां से, ओके, करंट ऐसे. ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है. पहले इस वाले डायग्राम से समझो, इस वाले डायग्राम से मैंने लेंथ को किसकी टर्म्स में काउंट कर लिया है. I have counted the length in terms of theta or not. By theta variation मतलब length variation or not? Theta variation मतलब length variation. Okay? So I want answer in terms of theta, not in terms of L. So what I will do? इस वाले triangle से क्या मैं L और theta को define कर सकता हूँ? मतलब L को theta के terms में define कर सकता हूँ? आप जानते हैं ये कैसे एक्ट कर रहा है. डी डी इज एक्टिंग लाइक बेस और एक्टिंग लाइक परपेंडिकुलर. एक्टिंग लाइक बेस एंड एल इज एक्टिंग लाइक परपेंडिकुलर. तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा. एल बाई डी would be what? Tan theta or not? Perpendicular by base is tan theta. So DL kitna ho gaya se? D sec square theta D theta. Ye samajh aa gaya nahi? To aap na is diagram isme jo DB tha, now DB will become what? Tell me. DB kya ho jayega? Mu zero I over 4 pi. तो पहला चेंज हमारा क्या है, डी एल कॉस थीटा था डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था नीचे, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया आउट ऑफ द पेज. क्लियर? अब ये बदल दो, आप चेंज कर दो पैरामीटर्स. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में सारी बात समझ में आ जाएगी. म्यू जीरो आई ओवर 4 पाई. व्हाट इज डीएल? डीएल का वैल्यू लिखो डी sec square theta cos theta. डिनोमिनेटर में भी यही कर दो आप, डिनोमिनेटर में भी यही कर दो. डिनोमिनेटर में अगर आप किस क्या रखेंगे, एल की जगह क्या रखेंगे, तो ये आएगा क्या, डी स्क्वायर 1 plus 10 square theta. यहां पर क्या था, डी थीटा भी था ना आउट ऑफ द पेज. ओके, तो क्या कैंसिल हो रहा है, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो डी बी कितना बचता है. आप जानते हैं 1 plus 10 square theta is also sec square theta.
तो ये एंड ये कैंसिल हो गया, ए की पावर से कैंसिल हो गया, आंसर बच रहा है म्यू जीरो ओवर 4 पाई डी, ये कांस्टेंट है डी, क्या बच रहा है कॉस थीटा डी थीटा आउट ऑफ द पिच, ये डी बी का वैल्यू आता है ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आया, आप इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, सॉरी मैं स्लाइड इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि बी निकालना है मुझे, बी टोटल, तो आई नीड टू परफॉर्म इंटीग्रल ओवर डीबी, तो डीबी का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा म्यू जीरो ओवर 4 पाई डी, ये सब कांस्टेंट है ओके, और इंटीग्रल किसका हो रहा है, इंटीग्रल इज बिकमिंग 4 कॉस थीटा डी थीटा, कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक का इंटीग्रल हो रहा है इस डायग्राम में, क्योंकि जो टेल से एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है और हेड से जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 है ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई ओवर 4 पाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है प्लस का साइन थीटा, इंटीग्रल परफॉर्म करते टाइम तो क्या होगा, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 या माइनस, प्लस होगा सर आउट ऑफ द पेज। आपको इसके मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना है, डायरेक्शन तो आप अपने आप निकालेंगे, ये जो जो डायरेक्शन है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, मतलब किसी क्वेश्चन में कुछ होगी किसी क्वेश्चन में कुछ होगी, आपको इसके मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ये जो है, ये जो म्यू जीरो ओवर 4 पाई डी है ओके, ये कहां पर है ठीक है, वो इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए क्लियर। अच्छा अब अगर मान लिया डायग्राम इस तरह का बना दिया आपने, यहां से आप यहां पहुंच गए, इस डायग्राम से आप इस डायग्राम पे आ गए, अगर मान लिया यहां से यहां आ गया, तो ये वाला एंगल जो काउंट होगा और ये वाला जो एंगल काउंट होगा, तो इसमें थीटा 1 क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव आप काउंट कर रहे थे एंगल को, तो इधर आने पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, चल नहीं नेगेटिव नेगेटिव, और ये एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्लियर ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये एक्सप्रेशन आ गया, कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, लेट मी गिव यू दिस, एग्जामिनर ने कहा ये डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये जो एंगल है यहां से, दिस एंगल इज 45, उन्होंने ये बताया, वो एग्जामिनर थोड़ी बताएगा माइनस 45 या प्लस 45, ये तो आपको खुद जज करना है, एग्जामिनर ने तो एंगल 45 दे दिया, ये एंगल भी एग्जामिनर ने 45 दे दिया, ये कोई पॉइंट ओ दे दिया, करंट आई दे दी इसमें, एंड कहा ये पॉइंट पी है, इस पर आप ये जो है ना वैल्यू, ये क्या है, दिस वैल्यू इज एस, आप इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा इस डायग्राम में, बताइए म्यू जीरो, यही तो बात थी, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, आप चढ़ जाओ इस डायग्राम पे और इस डायग्राम, यहां पर ये एंगल नेगेटिव हुआ या नहीं,
साइन थीटा भी पॉजिटिव है। हाँ सर। ये एंगल इस डायग्राम से, जब इस डायग्राम पर आओगे आप, तो ये एंगल नेगेटिव काउंट होगा या पॉजिटिव काउंट होगा, बोलो। नेगेटिव। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं और इस एंगल को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो है वो किस तरह चेंज होगा? फार्मूला आप मुझे बता सकते हो, यहाँ प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन? बोलिए। प्लस साइन लगेगा। प्लस साइन लगेगा, बोलो। आप अब ये मत कहना मुझसे कि ये तो आपने माइनस लिखा था और ये प्लस क्यों लिख दिया? क्यों लिख दिया मैंने प्लस? अगर आप ऐसा कोई डायग्राम लेते हैं जिसमें दोनों तरफ के एंगल्स को आप पॉजिटिव मानकर चलते हैं, तो इनके बीच में प्लस साइन आएगा, ओके? और अगर आप क्या करते हैं, इस तरह का कोई डायग्राम लेकर चलते हैं, इस तरह का कोई डायग्राम लेकर चलते हैं, तो ये एंगल मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। मतलब ये जो डायग्राम है इसमें तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये वाला। और उसी से जब हमने ये वाला बनाया है, ठीक है, तो ये बन गया। तो साइन क्या होगा? साइन 45 का जो इफेक्ट आएगा दोनों तरफ, वो एडिटिव आएगा या सब्ट्रैक्टिव आएगा? वो इफेक्ट जो है एडिटिव आएगा। उसको भी मैं बताऊंगा क्यों एडिटिव आएगा। फिजिकली साइन थीटा 2 कितना होता है? 1/√2 प्लस साइन थीटा 1/√2 आउट ऑफ द पेज। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया? म्यू जीरो आई ओवर, ओके, 4πs। ये बन गया 2/√2। 2/√2 का मतलब है √2 न्यूमरेटर में आ जाएगा आंसर। इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का, ठीक, ओके। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताता हूं। तो पहले आप सर। हाँ जी सर, ये थीटा नेगेटिव कैसे आ रहा है वो थोड़ा बता दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा है। हमने जो ये लिया था एलिमेंट जो चूज किया था, ठीक है, पहले तो हमने सिंगल थीटा लिया था जब एलिमेंट बहुत छोटा था। जब एलिमेंट बहुत छोटा होगा तो एक ही थीटा बनाएगा, बहुत सारे थीटा बनाएगा? एक ही थीटा बनाएगा। अब जब उसको आप बड़ा करते जाओगे, इंटीग्रल करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल करने का मतलब होता है उसको, उसकी लेंथ को बढ़ाना है कि नहीं? जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो एंगल दो बनेंगे, एक हेड से और एक टेल से, ठीक। तो जो टेल वाला एंगल है, ओके, उसको हम क्या ले रहे हैं? थीटा 1। और जो हेड वाला एंगल है उसको हम क्या ले रहे हैं? थीटा 2, ओके, ठीक है। हाँ सर। तो अब जब उसको बड़ा करोगे, बड़ा करते करते पीछे लाओगे, यहाँ पर ये ओ है तो पीछे लाओगे यहाँ, तो ये जब यहां से एंगल काउंट होगा, तो क्योंकि ओरिजिन को क्रॉस कर गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये ओरिजिन है, इस तरफ के एंगल पॉजिटिव हैं, तो जब इस तरफ के एंगल बनेंगे, यानी कि इस डायग्राम से आप इस डायग्राम पर आओगे यहाँ, तो ओरिजिन से इधर का जो एंगल बनेगा ये वाला, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव? भाई इस तरफ का एंगल क्या है? ये पॉजिटिव। तो इस तरफ का एंगल क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा वहां पर? जब आप रखोगे क्या एक्सप्रेशन में, इस तरह एक्सप्रेशन में रखोगे क्या? साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 1, साइन माइनस थीटा 1, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस पॉजिटिव, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। लेट मी टेक इट फ्रॉम असाइनमेंट इटसेल्फ, अगर वहां पर कुछ मिलता है। मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी फाइनाइट लेंथ का, ओके, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट लेंथ का, उसकी डायरेक्शन निकालना, अभी तक इतना ही पढ़ा है। आपको ये डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी एक्सप्रेशन। आपको ड्राइव नहीं करना, ड्राइव करना नहीं भी आता चलेगा। क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है।
चलो मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, what we do is we do, we take up a question. A square root. ये कोई स्क्वायर लूप है, ये कोई स्क्वायर लूप है मान लेते हैं, ठीक। इसमें जो करंट है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो साइड है वो ए है, ओके। इसमें जो करंट है वो आई है, पूरे लूप में ही करंट आई होगी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, करंट आई हो गई, साइड ए हो गई, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो वाई जेड प्लेन में, ओके। अब इसको, ये जो मैंने पढ़ाया आपको यहां, ओके, इसको आपको किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, स्क्वायर के ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। एक बात जरूर ध्यान दीजिए यहां पर, ये जो एस है वो कौन से डिस्टेंस है, यहां पर जो एस होगा उसका मतलब क्या होगा, एस का मतलब यहां से डिस्टेंस होगा, या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होगा वो ये होगा, एस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो एस की तरह कौन काम करेगा यहां, एस वैल्यू कितना होगा यहाँ, एक बाइट, ठीक है। अच्छा, हम इसको क्या कह देते हैं, इट इज अ एबीसीडी लूप, ए बी सी डी, एबीसीडी लूप है, ठीक है, करो इसको। mu not i root 2 by 2 pi a, okay।
ओके ये हो गया। अच्छा अब जरा ध्यान दो, आप कैसे कनेक्शन करेंगे, ए बी वायर का निकाल रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड ना पहले, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मैं यूजुअली क्या करता हूँ, डायरेक्शन तो मैं राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालता हूँ, दो अलग अलग काम करता हूँ, ठीक है। आई फाइंड डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, ओके, एंड आई कैलकुलेट मैग्नीट्यूड थ्रू फार्मूला, फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकालता हूँ और यहां से मैं क्या निकालता हूँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल से। तो अब ये बताओ इसमें इनके बीच में मैं माइनस का यूज करूंगा साइन थीटा 2 या प्लस का यूज करूंगा? मुझे ये तो पता है, क्योंकि मुझे ये तो पता है दोनों एंगल क्या बनेंगे, स्क्वायर में बताने की जरूरत नहीं है एंगल्स को, एग्जामिनर एंगल नहीं बताएगा इसमें, आप ध्यान दीजिए कितने कितने एंगल बनेंगे दोनों, दो बताइए, 45 45 45। मैं थीटा 2 लूंगा वैसे आइडियली और इसको मैं थीटा 1 लूंगा, क्यों ऐसे क्यों किया मैंने, आई टुक दिस एज थीटा 2 एंड दिस एज थीटा 1, व्हाई? जब मैं प्लस लेता हूं एंगल को तो क्या होता है, विच फॉर्मूला आई शुड अप्लाई, बी ए बी म्यू जीरो आई ओवर 4πs, एफ का वैल्यू कितना है, ए बाई 2 साइन 45 प्लस साइन 45, डायरेक्शन बता दो अब आप, डायरेक्शन में राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड आउट करता हूँ, तो आपका जो थंब है वो तो ऐसे हो गया राइट हैंड का, तो आपकी फिंगर इस पॉइंट के लिए यहाँ के लिए अंदर की तरफ जाएंगी या बाहर की तरफ आएंगी, गो बैक एंड सी अगेन, ये डायग्राम को अगर हम उल्टा कर दें ऐसे, थंब को ऐसे ले लें, तो हमारी फिंगर यहाँ वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में इन टू द पेज जाएंगी, आउट ऑफ द पेज, Into the page का मतलब क्या है, यहाँ बताओ ये out of the page कौन सी direction है, plus x, तो direction क्या होगी, minus x, बोलो, yes sir, तो BAB का value कितना हो गया, sin 45 plus sin 45 is 1 by 2 by root 2, ये तो ऊपर हो गया कितना, 2 root 2 I divided by 4 pi a, equation number 1, BAB, ये AB का है, अब BC portion का कितना होगा, BC portion, आप देख रहे हैं magnetic field किस किस बात पर depend करता है, magnetic field इस formula में किन किन बातों पर depend कर रहा है, देखो जरा, angle पर, distance. And distance पर, and current पर, अब आप check करो, कि current BC wire में, same as AB wire है, या डिफरेंट है, आई थिंक सेम है सर। अच्छा उसका जो एंगल बन रहे हैं दोनों वो सेम हो गया, डिफरेंट सेम है। अच्छा डिस्टेंस भी सेम है या डिफरेंट है, सेम है सर, सेम है, सेम है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ डीए वायर and magnitude of AB wire, are they same or different? Same. अब बात आती है direction की, तो B total मैं निकाल रहा हूँ, तो I, अच्छा direction क्या है इसका, BCD का, इसका direction किधर होगा बोलो, into the page, out of the page, into the page, इसका Into the page. तो चारों वायर के मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड होंगे या सबट्रैक्ट, ऐड होंगे, ऐड होंगे, ऐड,
ऐड होने का मतलब है चार गुना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कितना आएगा आंसर? टू रूट टू आई पाई, फोर टाइम्स हो जाएगा इसका, फोर टाइम्स होने का मतलब है म्यू जीरो सर, ओके म्यू नॉट फोर, ये आया स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, आपको समझ आया नहीं आया? ओके ठीक है, तो क्या करना है डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये करना होगा, समझ गया वो? ये रहा, तो इसी एंड को आप थंब को नीचे करेंगे तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन निकालेंगे, थंब को ऊपर करेंगे तो डायरेक्शन निकालेंगे, थंब को इधर करेंगे तो भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चार वायर थे स्ट्रेट, ये किससे मिलकर बना था, कितने स्ट्रेट वायर थे? फोर स्ट्रेट वायर थे, सबका अलग अलग निकाला ऐड कर दिया, आंसर आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैग्नेटिक फील्ड फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? तो वो ही हमने लगा दिया इसके ऊपर, चारों को ऐड किया है तो आंसर क्या, ठीक? मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम और करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट जनरलाइज फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ, सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड्स, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें एन साइड्स हो, रेगुलर होने का मतलब है उसकी सारी साइड्स का लेंथ सेम है, तो उसका जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है B एट द सेंटर, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, होगा n म्यू जीरो i, n उसमें नंबर ऑफ साइड है, स्क्वायर होगा तो चार साइड होंगी, ट्रायंगल होगा तो तीन साइड होंगी, हेक्सागन होगा तो छह साइड होंगी, बट वो रेगुलर होना चाहिए, टू पाई s साइन पाई बाय n, ये जनरलाइज फार्मूला है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ये है, यहां पर एन साइड है और एस क्या है, एस इज वेयर, ये जरूर ध्यान रखना है कि एस कहां पर स्थित है, एस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट of each side to the center. अब आप पहले क्या करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन इंडिविजुअल वायर लेके करवाया था स्ट्रेट, उसको आप इससे रिपीट करें पहले, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस जनरलाइज फॉर्मूले से रिपीट करके बताओ, आंसर सेम आता है या नहीं, n का वैल्यू क्या हो गया, 4s स्क्वायर n इज 4, n का वैल्यू 4 है, और मैंने कहा s क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड टू सेंटर है या वर्टेक्स टू सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड का मतलब क्या हुआ,
कौन सा पॉइंट स्क्वायर में, कौन सा पॉइंट हुआ है स्क्वायर में, ये वाला पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए बाई टू। तो बी वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू फोर, म्यू जीरो आई टू पाई ए बाई टू साइन पाई बाय कितना फोर, कितना हो गया साइन पाई बाय फोर कितना होता है, वन बाय रूट टू। तो आई थिंक आ रहा है टू रूट टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय पाई ए। ओके इज इट सेम और डिफरेंट, सेम सर सेम। ओके तो ये हो गया। तो ये तो हुआ अगर आपके पास n साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है, कैन यू डू इट फॉर दिस। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको इसमें, ये मैंने क्या बताया था आपको, व्हाट वाज इट, ये मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सेगमेंट। बट ये चार स्ट्रेट सेगमेंट मिला के क्या बना देते हैं, आर दे मेकिंग अ लूप और नॉट। जो चार ये वायर है यहां पर ए बी बी सी सी डी स्क्वायर लूप में, ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, चार स्ट्रेट सेगमेंट मिला के बना रहे हैं लूप, क्लियर लूप। अच्छा इसमें जब लूप बनता है तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैं जरा बता, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लूप। तो दोनों में डिफरेंस कर लेना आप ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, राइट हैंड ग्रिप रूल, ओके फॉर अ लूप की बात कर रहा हूं, लूप वाला बताता हूं मैं आपको। I need the right diagram. ये नहीं, यहां पर क्या था, गो बैक एंड सी, वायर कैसा था, सॉरी करंट कैसा था, स्ट्रेट या कर्लिंग, घूमता हुआ करंट था या सीधा करंट था, सीधा, दिस करंट वाज स्ट्रेट, सो मैग्नेटिक फील्ड वाज कर्लिंग, है ना। तो जब वेन एवर यू हैव ए स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर, okay, then your thumb, right hand thumb will point along current, then finger will tell you direction of magnetic field be, clear, but whenever you have a loop
लाइक दिस, चाहे वो लूप सर्कुलर हो, चाहे वो लूप स्क्वायर हो, चाहे वो लूप ट्रायंगुलर हो, चाहे हेक्सागोनल हो, लूप लूप होता है. तो जब लूप है और लूप में करंट ऐसे जा रही है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, लूप में घूम रही है करंट, तो ये करंट स्ट्रेट नहीं है, ये करंट स्ट्रेट नहीं है. ओके, तो उसकी एक्सिस पर ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ द लूप. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताएगा, थंब या फिंगर? थंब. और फिंगर किसके डायरेक्शन में होगी? फिंगर, फिंगर मैग्नेटिक फिंगर के. तो ये कौन बत, ये कौन ले गया, फिंगर या थंब? फिंगर, फिंगर सर. और ये कौन है? थंब, थंब, थंब. उल्टा हो गया, वही है सिस्टम, उल्टा हो गया ना पूरा, उल्टा सर. ठीक है, पहले कौन था? पहले थंब वाज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो फिंगर विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये किस केस में है, जब करंट घूम रही होगी या स्ट्रेट होगी, सीधी होगी? व्हेन करंट इज, ठीक है, करंट इज मूविंग इन अ लूप. ओके, और ये सिस्टम जो है ये कब के लिए एप्लीकेबल है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई गई है या घूमती हुई दिखाई गई है? दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट. तो ये सिस्टम किसके लिए ट्रू है? This is true only for infinite. It is for axis only or it is here also. अगर मैं पॉइंट को यहां उठा ले आऊं, पॉइंट पी को, पॉइंट पी अगर यहां है तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी है. पॉइंट पी यहां हो, ये एक्सिस पर है पॉइंट या नहीं? दिस पॉइंट पी इज नॉट ऑन द एक्सिस, नहीं है. तो क्या यहाँ के लिए भी ये सिस्टम सही है? जो मैंने तरीका बताया आपको, यहाँ के लिए सही नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा सकते इसको आप, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ तिरछी होगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे कर्ल करती हुई, ऐसे, समझ रहे हैं? तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये कहां लग सकता है बोलो? दिस मैथड, इसकी रिस्ट्रिक्शन है, एक्सिस ऑफ लूप ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप. दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, applicable on the axis of the loop, axis of the loop. Okay, उस axis पर center भी पड़ता है, नहीं पड़ता है? Yes sir, पड़ता है. तो center पर भी applicable होगा, नहीं होगा? होगा. ठीक है, तो यहां पर सेंटर ऑल्सो, सेंटर उसी के अंदर इंक्लूडेड है एक्सिस पे ही, तो सेंटर पर भी एप्लीकेबल होगी ये बात. क्लियर है जी सर? तो अब बहुत सिंपल हो गया, मैं आपको बताऊंगा, अब बहुत सिंपल है. इस डायग्राम को उठाओ, इस वाले को, और वहां पेस्ट करो. अब आप देखो और ज्यादा सिंपल हो गया, जब लूप का केस बनेगा तो और ज्यादा सिंपल हो गया. लूप मैं बना रहा हूं, ऐसे करंट थी इसमें, ऐसे न्यू करंट थी, ये करंट का डायरेक्शन था, ये सेंटर था, एंड व्हाट आर द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस वर लाइक दिस, इट वाज एक्स, इट वाज वाई, एंड इट वाज जेड. ओके, अब ये वाला तरीका, ये वाला तरीका आप इस सेंटर के लिए लगा दो, तो मैग्नीट्यूड कहां तक फाइंड आउट करोगे आप? मैग्नीट्यूड के लिए ये रहा फॉर्मूला, मैंने बहुत लगाया, इजीली निकल गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब आ जाओ डायरेक्शन पर, डायरेक्शन में आप ये तरीका लगाओ. तो जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका थंब किधर जा रहा होगा? ये माइनस एक्स, आपका थंब इनटू द पेज जाएगा या आउट ऑफ द पेज जाएगा?
into the page. Into the page. किसके लिए? इसके लिए, यहाँ इस पॉइंट के लिए into the page होगा. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर into the page होगा. ओके सर, थंब नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ. ऐसे ऐसे? यस सर. ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये थंब जो है, ये थंब, ओके, ये हमेशा फिंगर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा या उसके प्लेन में, खुद के प्लेन में होगा? बोलो. फिंगर के परपेंडिकुलर प्लेन. परपेंडिकुलर प्लेन में. अब जब आपकी फिंगर घूमेगी तो फिंगर कैसे घूमेगी आप बताओ? आपका जो राइट हैंड होगा उसकी फिंगर ऐसे घूम रही होगी. ओके तो जो आपका थंब होगा, ओके, वो इन फिंगर के परपेंडिकुलर आएगा या पैरेलल? ये पता, ये होना क्या बताता है? आप बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो ना डायरेक्शन, तो ये उसी प्लेन में होगा, सेम प्लेन में या परपेंडिकुलर प्लेन में? ये तो इसी प्लेन में हो गया ना फिर. यस सर. थंब किधर जाएगा? थंब इनटू द पेज जाएगा ऐसे क्रॉस. हाँ सर. ओके ठीक है. ये तो थैंक यू सर. लूप, ये ध्यान रखना, लूप के एक्सिस पर ही एप्लीकेबल होगी ये बात. ओके लूप के अनदर पॉइंट्स पर नहीं होगी. पता चला यहां भी आपने कहा कि नहीं भाई यही डायरेक्शन सीधी करती, नहीं ऐसा नहीं होगा. ओके लूप के अगर अदर प्लेस पे जाते हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूं, although वो अभी थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है, मैं वो भी बता देता हूं. अदर प्लेसेस पर कैसी होंगी फील लाइंस? देखो मैं ये ले आता हूं. ये देखो, आप देख पा रहे हैं? ये देखो, ये वाली लाइन जो होगी बिल्कुल जो सेंटर से पास कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सिस ऑफ द लूप. एक्सिस ऑफ द लूप. जबकि अदर प्लेसेस जैसे यहां आप थोड़ा सा ही साइड में हटेंगे, अगर लूप से आप थोड़ा सा ही साइड में जाएंगे, अगर यहां है मान लिया आप यहां, तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी है? नहीं, तिरछी है. देखो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी वाला कंसेप्ट है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कहाँ एप्लीकेबल है? एक्सिस पर. ओके ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे. पता चला और कहीं भी ऐसे ही कर दू, ठीक है, तो सेंटर के लिए बात हो रही है फिलहाल. तो ये कहां पर एप्लीकेबल है एक्सप्रेशन? सेंटर पर. सेंटर क्योंकि एक्सिस पर ही पड़ता है इसलिए वो सेंटर पे इंक्लूड हो जाएगा इसमें, यहाँ स्ट्रेट या जिसके ऊपर. ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए. जब करंट सीधी होगी स्ट्रेट वायर में होगी तो ये वाला मेथड लगता है, और जब करंट घूमती हुई होगी लूप में तो ये वाला कंसेप्ट लगता है. क्लियर? अब आप क्या करेंगे, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे. मान लिया आपके पास कोई ट्रायंगुलर लूप है, कोई ट्रायंगुलर लूप है, ओके, और वो ऐसे करंट के अंदर जाता है. इसका साइड कितना है? ए है. ये साइड ए है. ये साइड ए है. ओके
ये इसका सेंटर है, करंट आई फ्लो कर रही है। तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर लूप निकालना। डायरेक्शन तो आप इस मेथड से निकालेंगे जो मैंने बताया अभी ये वाला, ओके, और मैग्नीट्यूड आप इस मेथड से निकालेंगे, ओके। करो डू इट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो स्क्वायर का जो आपने फिंगर बताया सर, कैसे रोटेट हुई सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। स्क्वायर का क्या बताया? ये आपने जो फिंगर के लिए, ये लास्ट स्लाइड में ही सर, फॉर ए लूप सर, यस सर, यहाँ पे सर, ये आउट ऑफ पेज कैसे हुई सर, ये बता दीजिए। इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज नहीं, इनटू द पेज सर। एक मिनट, cannot rotate this. आपको क्या करना होगा, वेरी डिफिकल्ट टू, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये करंट को पॉइंट कर रहा है, ओके, इसको मतलब ये वाला जो लूप है, ओके, इसको इस प्लेन में लेकर आना है जी सर, घुमाना है, ओके, घुमा कर क्या करना है, मतलब जैसे अभी तो ये ऐसे है, इस प्लेन में है, ओके, हम उसको ऐसे ले आएंगे इस प्लेन में जी सर, तो क्या होगा अगर हम इस तरह करेंगे तो, ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड की फिंगर होगी वो ना ऐसे घूमेगी करंट की डायरेक्शन में, ऐसे घूमेगी, ओके, तो आप एक काम करो, ओके, आप अपने हैंड को मोबाइल की स्क्रीन के पास लाकर, ओके, और मोबाइल की स्क्रीन के पैरेलल आप अपनी फिंगर को घुमाओ राइट हैंड की, तो आपका थंब ना स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो है ये मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, यस सर, यस सर, तो आपको क्या करना है, मोबाइल की राइट हैंड को मोबाइल की स्क्रीन के पैरेलल लाकर फिंगर को ऐसे घुमा दो, ऐसे, तो आपका जो थंब होगा जब वो, आप यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये 90 एंगल बनेगा फिंगर में और इसमें, ये फिंगर में और थंब में 90 का जब एंगल बनाओगे, तो वो जो थंब है, ठीक है, तो वो स्क्रीन के अंदर को पॉइंट कर रहा है या स्क्रीन के बाहर को पॉइंट कर रहा है? अंदर सर। तो बस यही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे सर समझते हैं, थैंक यू सर।
ठीक है, ये बताना आपको, इसमें आपका मेन टास्क है एस निकालना, एस कितना है, एन का वैल्यू तो 3 है, ए बाई 2 रूट 3, बी का वैल्यू आपको बताना है, बी का वैल्यू है एन म्यू नॉट आई, रेगुलर पॉलीगन है, एन म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस साइन पाई बाय एन, ओके एन का वैल्यू 3 है, एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू काउंट होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ईच वायर, ईच साइड एस, ये एस कितना होगा, बोलो ए बाई 2 रूट 3 सर, ठीक है, तो वो कितना होगा देखो समझ लो, आपको यहां से निकालना है तो वो होगा 1/3 ऑफ हाइट, ये समझ में आता है सबको, 1/3 ऑफ हाइट ये जो वैल्यू होगा, और हाइट कितनी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 1/3 ऑफ रूट 3/2 ए, हाइट कितनी है इसकी, हाइट, हाइट का मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का हाइट, ये हाइट, तो हाइट कितनी होगी रूट 3/2 ए, और उसका 1/3, क्योंकि यहां से वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होती है 2/3, तो नीचे कितनी बची 1/3 रूट 3, नीचे बचा रूट ए बाय 2 रूट 3, ये सबको समझ में आया ना, एस निकालना, एस का वैल्यू ए नहीं है, सिंपली पता चला ए लगा दिया हुआ नहीं, कितना हो गया बी सेंटर, बी 9 म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 9 म्यू नॉट आई, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, 9 म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, व्हाट डायरेक्शन, इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से लगाओ, आउट ऑफ द पेज कौन सी डायरेक्शन है, चलो इसको बना देते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन में लूप है, डायरेक्शन होगी प्लस एक्स, या पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आउट ऑफ द पेज का मतलब है प्लस एक्स डायरेक्शन, तो ये ट्रायंगुलर लूप का मैग्नेटिक फील आ गया डायरेक्शन के साथ, ओके ओके, रिपीट करना एक बार, क्या रिपीट करूं बताओ, ये एस के बाद आगे नेक्स्ट फेज पे कैसे आएगा, ये फॉर्मूले में रखा भाई, ये यहाँ पर थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करो आप, 3 एन का वैल्यू 3 है, एस का वैल्यू निकाल दिया, सब सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ओके यस सर, तो ये हमने कर लिया, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको स्ट्रेट सेगमेंट का मैग्नेटिक फील बता दिया, मैंने आपको किसी रेगुलर पॉलीगन का मैग्नेटिक फील भी बताया, ठीक है, अब इसी बेसिस पर आप समझ गए होंगे, ठीक है, जरा मुझे ये और बताना, पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर, यहां पर हमने क्या किया था, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, फाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर है ना, अच्छा अगर हम इसको इनफाइनाइट बनाएं, इसको इसी डायग्राम में, तो इनफाइनाइट होने पर एंगल्स क्या बनेंगे, 90 ओके, तो इनफाइनाइट वायर में देखो क्या होगा,
इनफाइनाइट वायर में ये ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ओके। ये जो एंगल होगा इस तरफ का, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ना एक्चुअली, तो ये क्या होगा स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या बनेगा 90। ये वायर में करंट ऐसे जा रही है और इस तरफ का एंगल भी क्या होगा 90, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई। अगर ये डिस्टेंस एस काउंट कर रहे हैं ना, ये कितना होगा म्यू नॉट 2 पाई एस, ओके। डायरेक्शन क्या होगा फाई कैप, फाई कैप क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये करंट स्ट्रेट वायर अगर है तो करंट किस डायरेक्शन में जाती है बाय डिफॉल्ट, उसकी लेंथ में, लेंथ का मतलब है करंट किस में जाएगी बाय डिफॉल्ट, जेड में, बोलो करंट किस में जाएगी जेड में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा पाई में, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये बताया ना करंट जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड पाई में, ओके। तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ये भी याद रखना है, फाइनाइट वायर का इतना होता है ये भी याद रखना है, और रेगुलर पॉलीगन का इतना होता है ये भी याद रखना है, दोनों मेथड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के होते हैं वो भी याद रखना है, ओके। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का कितना होगा, मैं एक काम करता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर का डायग्राम बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी इनफाइनाइट, थीटा 190 थीटा 20 एक साइड मान लिया आप आई करंट कैरी कर रहा है एक वायर, ओके, और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन है यहां पॉइंट पी, एक तरफ तो वायर है इनफाइनाइट और दूसरी तरफ है ही नहीं, मतलब ये डैश 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 है, ओके, और इस तरफ कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर, ओके। तो इसके लिए क्या होगा आप मुझे बता सकते हो, ये वाला एंगल है मतलब बहुत दूर से बनेगा एक्चुअली ये, हा? कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 90, ठीक है, और दूसरी तरफ का एंगल कितना होगा जीरो जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एस, ये एस डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ओके। आप देख सकते हैं कि सेमी इनफाइनाइट में, सॉरी इनफाइनाइट में और सेमी इनफाइनाइट में क्या रिलेशन है, हाफ, ठीक है, हाफ है, ओके। सेमी इनफाइनाइट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ है, इसका मतलब क्या मान सकते हैं हम, इनफाइनाइट वायर को हम दो सेमी इनफाइनाइट वायर से बना हुआ मान सकते हैं, यानी वी कैन अज्यूम दैट इनफाइनाइट वायर इज मेड ऑफ, मेड अप ऑफ टू सेमी इनफाइनाइट वायर, क्लियर है, ठीक है। बट वो सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा होना चाहिए, वो सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए सर, यहां यूनिट वेक्टर फाई नहीं लगेगा इसमें, लगा सकते हो, ओके, लगा सकते हो, अगर जेड में जा रही है करंट तो आप फाई कैप लगाओगे, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट,
ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, क्या ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा लेता हूं मैं, देखो मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मान रहा हूं इसको दो सेमी इनफाइनाइट वायर से बना। एक सेमी इनफाइनाइट वायर ये है आई, आई और इसमें भी करंट क्या है आई, ओके। और हम मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड हियर। अब बात समझ रहे हैं, मैंने इसको दो अलग अलग कलर से दिखाया, अलग अलग कलर से दिखाया, मैं इसका मतलब मान रहा हूँ इसको दो सेमी इनफाइनाइट वायर से मिलकर बना हुआ, ओके ठीक है। ये हो गया केस वन। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है। ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, ऊपर भी और नीचे भी। केस वन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एडेड अप और सब्ट्रैक्टेड? एडेड। एंड यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। दोनों का सम कितना होगा, जीरो। बी वन बी टू, तो इस केस में ये हो गया, इस केस में ये हो गया, ओके। दोनों का ऐड होकर जीरो हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड, एक का प्लस फाइव बना होगा, दूसरे का माइनस फाइव, ओके। तो ये हो गया, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के सुपरपोजिशन से आप बना हुआ मान सकते हैं किसको, इनफाइनाइट, ओके। अच्छा एक चीज और, आप ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मुझे जरा, पेज 46 पर क्वेश्चन नंबर 41। पेज 46
तो ये कैसे बना होगा वायर, ये जो सिस्टम बनाया है वो कैसे बनाया है? एक इनफाइनाइट वायर रहा होगा और उसको ऐसे मोड़ दिया होगा फिर बाद में, ठीक है? एक सीधे वायर को ऐसे मोड़ दिया है, ऐसे तो बना होगा, ठीक है? तो इसको किस किस से मिलकर बना हुआ मानोगे आप? टू सेमी इनफाइनाइट, और इसको छोड़ दोगे इतने पोर्शन, ये सेमी इनफाइनाइट वायर तो यहां तक खत्म हो गया इधर, इधर से है ना, यहां तक खत्म हो गया एक, तो मैंने इसको कहा ए पॉइंट, ओके, इसको मैंने कहा बी पॉइंट या ओ पॉइंट कहते हो, इसको मैं कह रहा हूं बी पॉइंट, क्लियर? तो यहां से इधर से लेकर यहां तक तो इनफाइनाइट बना, सेमी इनफाइनाइट, फिर ए ओ है, फिर ओ बी है, और ये है इस तरह, ओके। तो आपको ये करना है, तो पहले तो आप ये बताओ, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है ये वाला जिसमें ऐसे आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा पॉइंट पी के लिए? Into the page. अच्छा, अब ये जो इधर जा रहा है ये वाला, उसका किधर होगा? Into the page होगा, okay. अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ए ओ पोर्शन है वो, और ओ बी पोर्शन है वो, उसका फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, उसका किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज? इनटू द पेज, इनटू, इनटू होगा, यानी कि सबका इनटू आ रहा है। हाँ सर, यस सर, यस सर। तो जो बी हॉरिजॉन्टल वायर है, बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैं किसको कह रहा हूँ? इस वाले को, ये हॉरिजॉन्टल जो है, ओके, इसको मैं कैसे बनाऊं डायग्राम को बताओ, अब जरा समझो। एक कनेक्शन तो मैंने यहां से किया है, ये एंगल आप पता कर लो, दूसरा एक कनेक्शन होगा कहीं इनफाइनाइट से, ये एंगल आप पता कर लो, तो ये हॉरिजॉन्टल वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये कितना है बता सकते हो? ये 45, और ये कितना है? 90. तो ये जो हॉरिजॉन्टल वायर है ये वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, न्यू जीरो आई ओवर 4πs, एस की तरह कौन काम करेगा? ये 1 सेंटीमीटर, ओके, साइन 45, इसके लिए प्लस लगाऊं या माइनस? बोलिए, प्लस या माइनस? ये मैं पूरा वायर ले रहा हूँ, प्लस, 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 साइन 90, किधर? इनटू द पेज, इनटू, ओके, तो ये कितना आ गया? साइन 45 बता, 1/√2, ये बन गया म्यू जीरो आई ओवर 4π, एस का वैल्यू बाद में रखूंगा, 1 + 1/√2 इनटू द पेज, इक्वेशन नंबर 1, बी हॉरिजॉन्टल वायर। अब वर्टिकल पर आ जाओ, बी वर्टिकल कितना हो गया? म्यू जीरो आई ओवर 4πs, ओके, म्यू जीरो आई ओवर 4πs कितना? ये एंगल कितना बनेगा दूसरा होगा? 90, ओके, तो और दूसरा वाला 90 बनेगा, ये वाला 90 बनेगा, तो वो ही बनेगा सेम, साइन 45 प्लस साइन 90, ओके, तो एमएसयूएल और 4πs
वन प्लस वन बाई रूट टू। सर हम लोग एस क्यों रख रहे हैं, एस तो वन दिया ही हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप नहीं निकालेंगे ना। अब ऐड कर दो इसको, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, ऐड करने पर टू यू नोट आई ओवर, चाहे तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, फोर फाइव एस, ओके टू प्लस रूट टू इनटू द पेज। अब रखो म्यू जीरो ओवर फोर पाई का वैल्यू होता है कितना, न्यूमेरिकल माइनस का सेवन, आई आई कितना दिया हुआ वन एम्पियर, एस का वैल्यू कितना वन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं रखेंगे आप मीटर रखेंगे, टू प्लस रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.41 इनटू द पेज, कितना हुआ कुल मिलाकर माइनस फाइव, तो 3.41 माइनस फाइव इनटू द पेज। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और बी का यूनिट क्या होता है, बी का यूनिट होता है आइदर टेस्ला एमकेएस में या वेबर, वेबर डब्ल्यू बी वेबर पर ओके, तो आंसर इज 3.41 ओके 3.41 ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी। अब आप क्या करेंगे, आप जो असाइनमेंट थ्री है सबके पास असाइनमेंट है ओके, तो आप इसके जितने भी स्ट्रेट वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करके आएंगे। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन जो आपको करने हैं 23 29। ओके 33 36 39 40 41 में करा चुका हूं, 61 49 61 62। ये सारे क्वेश्चंस करते हैं ओके। टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आएगा ओके। ये होमवर्क क्या था ओके।
सर लास्ट थर्ड स्लाइड दिखा दो एक मिनट मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ ये यस सर यही तो सर उस फॉर्मूला में है सर एन वो मिनिमम वैल्यू होगा ना टू थ्री सर इसमें वो जो सर म्यू जीरो आई बाय फोर पाई डी साइन पाई बाय एन एन वो मिनिमम वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट स्लाइड शो करना फर्स्ट लेक्चर ओके फर्स्ट स्लाइड आज की क्लास आज की क्लास फर्स्ट लेक्चर के दिखा दो या आज की पूरी yes. सर बताओ सर हम जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो दोनों फॉर्मूला से सेम ही आ रही है जैसे हमने दो एग्जांपल के उनमें भी तो क्या लूप वाला डायरेक्शन के लिए ना यूज करें तो उससे हो जाएगा आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो मर्जी आपकी ओके सर सर हाँ जी हाँ जी सर ये इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज कैसे ले रहे हैं एक बार फिर से बता देंगे कहाँ पर स्ट्रेट वायर वाले में या सर्कुलर वाले में सर पहले वाले में इसमें हाँ भाई देखिए आप ये आपने वायर को पकड़ लिया ऐसे ओके तो वायर के अपर वाले रीजन में यहाँ आपकी फिंगर जो है वो पेज से बाहर आएंगी तो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का ये होगा और फिर घूमकर इधर से यूं जाएंगी अंदर की तरफ तो इस तरफ जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस होगा यानी कि इनटू द पेज इस ऊपर वाले रीजन में कहीं तक भी आपका डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगा और इस वायर के नीचे कहीं तक भी आपका डायरेक्शन इनटू द पेज ओके सर हेलो सर जल्दी बताइए एक सर क्योंकि मुझे बताइए सर जो इन सेमी इनफाइनाइट वायर का लिया था हमने सर उसमें थीटा की वैल्यू जीरो कैसे आई थी अदर साइड में थीटा की वैल्यू जीरो कैसे आई थी एक बार बताइए इधर कुछ वायर है ही नहीं दूसरा एंगल यहाँ से ही बनेगा इधर तो कुछ है नहीं नथिंग इज देयर तो यहाँ से बनेगा तो यहाँ से दूसरा एंगल इसी लाइन से कितना बनेगा यही पॉइंट कनेक्ट करेंगे ना तो उसका एंगल कितना हो जाएगा वहां से जीरो हो जाएगा ठीक है अब किसी को अगर पूछना है तो कल पूछना ठीक है आप मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा ओके okay.